बनाया गया कि ये बाद में लाया गया, क्योंकि मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है, बट ये है कि उस समय हमारा जो राष्ट्र बना था, जो भी विभाजन हुए थे, हमारा काफी बड़ा राष्ट्र था, जो भी हमारे देश बने जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये धर्म के आधार पे बने, बट हमारा ये ऐसा देश था जो धर्म निरपेक्ष बना था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी नियम योजनाएं आ रही है, उससे समाज में ऐसा संदेश जा रहा है कि लोग हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, तो लोगों में समानता का भाव लाया जाए, कैसे ये मतलब सबको साथ लेके आगे बढ़ा जाए, ताकि जो भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। धन्यवाद। आप ध्यान दें, अपना क्वेश्चन प्रश्न जो है भूमिका कम रखते हुए प्रश्न पूछे, उत्तर में भी समय सीमा का ध्यान रखा जाए। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कपिल जी, धन्यवाद महोदय। मैं अपनी सरकार की ओर से सांसद महोदय को आपके जरिए अवगत कराना चाहूंगा। भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर है। कई लोग मानते हैं कि सेकुलर शब्द का अर्थ धर्म निरपेक्ष है, लेकिन उसका अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, अर्थात कानूनी कार्यवाही सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से हो। आम बोलचाल की भाषा में हम सभी पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता के साथ समान मानते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में अंतर है और वो सदन के पटल पर रखना आवश्यक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी भी पंथ निरपेक्षता शब्द का ही प्रयोग करते थे। संविधान सभा ने भी लंबी बहस के बाद इस शब्द को मूल संविधान में कोई जगह नहीं दी थी। पंथ निरपेक्षता की अगर हम बात करें तो यह धर्म निरपेक्षता से कहीं अधिक उपयुक्त शब्द है। आज दुनिया के अधिकतर आधुनिक देशों में इसी शब्द का उपयोग हो रहा है। यह किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न पंथों से सरकार की तटस्थता या समरूपता को दर्शाता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता धर्म यानी ईश्वर से मनुष्य को विमुख होने का गलत संदेश देती है। स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष ऐसा कोई शब्द नहीं है। बाद में 1976 में इंदिरा जी की सरकार ने संविधान के प्रस्तावना में आप समय का ध्यान रखें सरकारी प्रयासों के बाद में 1976 में इंदिरा जी की सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में प्रीएम्बल 42वें संशोधन के द्वारा सेकुलर नाम का शब्द जोड़ा था। विशेषता के रूप में इस बिंदु के अनुसार समझा सकता हूं मैं, जैसे इन चीजों से सांप्रदायिकता तनाव को प्रोत्साहन, भारत में हिंदू मुसलमान तथा ईसाइयों के लिए सामाजिक कानून अलग अलग, विभिन्न धार्मिक समूहों में सामाजिक दूरी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 213 श्री कुणाल जी, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ई सिगरेट को प्रतिबंधित करने के लिए हमारे सरकार ने 2018 में कई राज्यों में की चेतावनी भी दी थी कि इसे बंद करो, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? श्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नीतीश जी, धन्यवाद महोदय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जैसे कि उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, विज्ञापन हेतु निर्देश अध्यादेश 2019 की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है। अध्यादेश की घोषणा के बाद ई सिगरेट की का किसी प्रकार उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात अथवा विज्ञापन एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। पहली बार अपराध के मामले में 1 वर्ष तक कैद तथा 1,00,000 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों, अगले अपराध के लिए 3 वर्ष तक कैद और 5,00,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडारण के लिए भी 6 माह तक कैद अथवा 50,000 रुपया तक जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 203
श्री प्रवीण जी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 साल से इंटरनेट की सुविधा बढ़ने के साथ साथ आजकल हमारे देश में सारे काम डिजिटल हो गए हैं और सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि सारे काम डिजिटल ही हो जाए, किंतु एक व्यक्ति को अपने डाटा की सिक्योरिटी की चिंता हमेशा रहती है। तो मैं इसमें सरकार से क्या कदम उठाए गए ये जानना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अगर इथिकल हैकिंग द्वारा या अदर माध्यम जैसे फेसबुक या किसी सोशल मीडिया द्वारा अगर डाटा ले जा चुकी है किसी कंपनी के, तो आप उस डाटा को कैसे उसे बचाएंगे कि दुश्मनों के हाथ में जाने से। मुझे बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन लॉ पे ही पूछना है। थैंक यू। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुकूल जी। धन्यवाद महोदय। हमारी सरकार इस बात से पूर्णतः अवगत है कि हमारे देश के नागरिकों का जो डाटा है वो